अगर आप सोच रहे हैं हर वीडियो की तरह ये भी एक कॉमेडी वीडियो होने वाली है तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, क्योंकि ये एक पूरी पूरी ट्यूटोरियल वीडियो होने वाली है। भाई तो ट्यूटोरियल बताया किसने ये, यार इसे क्यों बुला लिया यार? कैमरा। सो फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज जो तुम्हारे को यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए चाहिए वो तुम्हारे पास होना चाहिए कैमरा। अगर कैमरा नहीं होगा तो तुम शूट क्या करोगे? एक्शन भाई स्टार्ट। रुक जा। हाँ भाई स्टार्ट। कैमरा मैंने ले लिया आज वीडियो बनाऊंगा सारी मैं आज। ओ अच्छा रुक, मेरी बारी ले मेरे को भी। कैमरा वाले वीडियो बना कुछ भी। अगर आप एक बड़े यूट्यूबर बनना चाहते हो तो जो आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। अच्छा तेरी स्क्रिप्ट राइटिंग, ये देखो इसकी स्क्रिप्ट और इसकी राइटिंग। यार ये क्यों दिखा रहा है यार, पढ़ते जरा क्या लिखा है इसके अंदर। देखते हैं पढ़ते हैं। समझ आया तो बताइए जरा। तू तो इधर आजा भूल रही पढ़ रहा हूँ बैठा हुआ यार, रैंडम मत पढ़ यार। तुम नहीं पढ़ पाओगे ये टोनी स्टार्क की कोडिंग है। टीम मेड। जब भी तुम यूट्यूब की टीम बनाओ बस उन्हीं बंदों को लेके टीम बनाओ जो अपने काम को लेके पैशनेट हो। ऐसे नहीं किसी भी अपने दोस्त को बुला लिया और बोल रहे हो भाई तू शूट कर लियो, तू एडिटिंग कर लियो, तू एक्टिंग कर लियो। ऐसा नहीं होता। तू डायरेक्शन देख लियो ठीक है, तू एडिटिंग संभाल लियो और मैं एक्टिंग कर लूंगा। तू एक्टिंग करेगा। गर्लफ्रेंड। हाँ मेरे बाबू ने खाना खाया। भाई हाँ शूट कर ले, तुझे दिखाई नहीं दे रहा तुझे चैट कर रहा हूँ। समझ गया भाई, शूट का क्या है, शूट तो कल कर लेंगे, बंदे इम्पोर्टेंट है भाई। अबे हटाने से दिखाई नहीं दे रहा, कैमरा चालू है यार। तुम तो शूट के बीच में क्यों ड्रामे करते हो यार? अगर ये शूट करेगा तो मैं एक्टिंग नहीं करूंगा। वैसे कौन सा करता है, उसे क्या मार रहा है, तब मैं तो मेरे को मार। अब शूट कर ले। ग्लैमर। अगर आपको लग रहा है जो आपकी स्क्रिप्ट है वो ज्यादा अच्छी नहीं है, या पंचिस कम है, या आपकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी नहीं हुई है, इन सब प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, अपनी वीडियो में अलग अलग बहुत सारी लड़कियां लाओ। इससे ऑडियंस अट्रैक्शन बढ़ेगा और तुम्हारा चैनल तेजी से ग्रो होगा। तभी तो हम हर वीडियो में लड़कियां लाते हैं। हेलो सौम्या, हमारा ना शूट है, आजा। यार हद होती है बेशर्मी की, मैंने तुमसे हंसकर तो बात क्या कर ली, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम्हारी सट्टी सी वीडियो में काम करूंगी। शाहरुख खान चाचा लगते हैं मेरे। और हाँ सुन, मॉडलिंग करती हूँ मैं सिर्फ ऑस्कर फिल्मों में काम करती हूँ। मुझे साइन करने की औकात भी है तुम्हारी? क्या हो गया यार, उसके घर पे कोई बीमार है, वैसे उसका बहुत मन था वीडियो में आने का। नहीं आ पाई यार। टीना को कर। क्या हुआ? मीना को कर। क्या हुआ? अरे यार ज्योति को करना। सोशल मीडिया।
अपनी फैन फॉलोइंग्स बढ़ाने के लिए आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना पड़ेगा। अपनी यूट्यूब की ऑडियंस को बोलना पड़ेगा कि मुझे जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो करे @shantitomar के नाम से। हो गया तेरा प्रमोशन। हाँ, तो कहाँ था मैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना पड़ेगा और ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उनसे बात करनी होगी, उनके मैसेजों का रिप्लाई देना होगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, आपको अपडेट देते रहना पड़ेगा कि आपकी नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है, ताकि उनमें हाइप्स बनी रहे। गाइज व्हाट्सअप, जो लोग पूछ रहे थे कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, तो मैं उनको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। इस वीडियो की मैं एडिटिंग लगभग 10-15 दिन से लगातार कर रहा हूं, वो भी बिना सोए। आपको मेरी आंखों में दिख ही रहा होगा नींद भरी हुई है, बट नींद तो बाद में भी पूरी कर लूंगा, लेकिन वीडियो ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अभी भी मैं वीडियो एडिटिंग ही कर रहा था। तो गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। ओके बाय। उनसे बात करनी होगी, उनके मैसेजों का रिप्लाई देना होगा। हेलो आदर्श, हाय सोनू, हाय पूनम, हेलो राजीव, बैंक के लोड़ो कोई तो मैसेजों का रिप्लाई कर दो। कोलैबोरेशन, अगर तुम्हें अपना चैनल जल्दी जल्दी ग्रो करना है तो उसके लिए तुम्हें बड़े बड़े यूट्यूबर के साथ कोलैब करना पड़ेगा। अब मुझे ही देख लो, मेरी बड़े बड़े यूट्यूबर के साथ कोलैब की बात चल रही है, जैसे अमित बड़ाना, बीबी की वाइंस, हर्ष बनीवाल, कैरिम नटी। मैंने इन सबको इंस्टाग्राम पे डीएम कर दिया है, जैसे इनका रिप्लाई आएगा डेफिनेटली कोलैब वीडियो आ जाएगी। मेरे साथ कोलैब करेगा? मेरे साथ कोलैब करोगे ना? हाँ। तो बहुत सारे फायदे होंगे। दोनों भाई मिलके वीडियो बनाएंगे, तू आगे आगे और पिंकी तेरे पीछे पीछे, फिल्म बना दूंगा एक नंबर की। पेशेंस, एक बड़ा यूट्यूबर बनने के लिए आप में पेशेंस की भावना होनी चाहिए। वीडियो में अपने हार्डवर्क का बेस्ट दीजिए, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। रैंकिंग, बहुत से यूट्यूबर है जो अपनी वीडियो तो अच्छी बना लेते हैं, लेकिन उनकी वीडियो कभी भी रैंक नहीं करती, उनकी वीडियो कभी भी ट्रेंडिंग पेज पे नहीं आती। दिक्कत कहाँ आती है, वो अपनी वीडियो में तो मेहनत कर लेते हैं, लेकिन थंबनेल, टाइटल, टैग में कभी मेहनत नहीं करते। वीडियो रैंक कराने में इन तीनों का बहुत बड़ा रोल है। तो जब भी आप वीडियो अपलोड करें तो थंबनेल अच्छा बनाए, टाइटल अच्छा लिखे और टैग्स अच्छे लिखे। थंबनेल अच्छा बन गया, टाइटल भी अच्छा लिख लिया, टैग्स में क्या लिखना था? अच्छे। अरे माज कर दी, माज कर दी, वाह बेटे वाह। ट्रेंडिंग पेज, काफी बार क्या होता है, जो आपका थंबनेल है वो भी अच्छा होता है, टाइटल भी अच्छे होते हैं और टैग्स भी अच्छे होते हैं, और ओवरऑल आपकी वीडियो भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन फिर भी आपकी वीडियो ट्रेंडिंग पेज पे नहीं आती। तो घबराओ मत, मैं हूँ ना, मेरी यूट्यूब वालों से तगड़ी जान पहचान है। अरे भाई साहब, मेरी वीडियो भी ट्रेंडिंग में लगा दो। आने दी, चैनल का नाम बोल बच्चा। शंटी टोमर, यूट्यूब ओनर। शंटी टोमर की एक वीडियो आई है, तुम्हारा काम हो गया, धन्यवाद। कंटेंट फाइंड करना एक कला है, कंटेंट हमेशा आपके आसपास ही होता है, बस अपनी आंख का नाक खुली रखो और उन चीजों को एज अ वीडियो इमेजिन करो, आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा। घंटा, कैरन आटे की नई वीडियो आई है, देख रहे हैं। नई स्क्रिप्ट मिल गई। तो कैसे हैं आप लोग, आज मैं बात करने वाला हूँ। आपका जो कंटेंट है वो दूसरों से यूनिक होना चाहिए, एकदम हटके होना चाहिए, उसमें दम होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने मुंह उठा के फेडेड बबली जूस वाला पापा का परा जैसी वीडियो निकाल ली। आई लव डीजे मिर्नाल। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ बिमोल एंड शिकोर का, ये देखेंगे
किस में ज्यादा खाने में अच्छा है? जो गन गन जो एरो में यो निशाना लगा था ना, उस एरो में से निशाना लगा पड़ेगा यहाँ पे, और ऐसा मैंने पड़ेगा, और ऐसा मैंने, ये देखो कितना सुंदर चप्पल है, ये देखो कितना एक्सपेंसिव चप्पल है, ये देखो इसका डिजाइन कितना सुंदर है। डोंट बी एंग्री, जो टीम का लीडर है उसको कभी भी कैसी भी सिचुएशन में गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपने टीम के बंदे पे तो कभी चिल्लाना ही नहीं चाहिए। अब मैं कभी नहीं चिल्लाता। अपना फोन और वॉलेट मेरे हवाले करो, चलो जल्दी, सीधे तरीके से दे रहा है अपने तरीके से निकलवाऊं। कौन है ये चूतिया जिसे दिख नहीं रहा कि यहाँ पे शूट चल रहा है? ओए, कह रहा था क्या? अरे नहीं भैया, मैं तो इससे कह रहा था, तुझे दिख नहीं रहा भैया किसी इम्पोर्टेंट काम से जा रहे हैं और तुझे शूट की पड़ी है? क्या भाई आप जाओ भैया, मैं इसे समझा दूंगा। शूट चल रहा था, नहीं तो गांड फाड़ देता इसकी। गांड तो मैं तेरी फाड़ूंगा, चलो कैमरा बंद कर। अबे निकलना लाउडे तेरी तो, क्या समझाना था मुझे भाई? मैं तो मजाक कर रहा था यार, ऐसी बोल रहा। सॉरी भाई, गलती होगी, गलती, सॉरी यार, मैं बनाऊंगा तेरा मजाक भाई, सॉरी यार, तेरा मजाक मैं बनाऊंगा, सॉरी यार। तो बता, बोलेगा फालतू? नहीं भाई, आज के बाद कभी फालतू नहीं बोलूंगा, गुस्सा भी नहीं करूंगा भाई। पक्का? पक्का। फैंस, जब आप बड़े यूट्यूबर बन जाते हो तो आपके बहुत सारे फैंस बनने लग जाते हैं। बाय चांस आपका फैन आपसे रियल लाइफ में टकरा जाता है तो उसे समझ नहीं आता वो आपसे किस तरह बात करे, किस तरह रिएक्ट करे, वो एकदम बावला सा हो जाता है। अबे अंधा है क्या? अरे भाई आप वही हो ना? पहचान लिया क्या इसने मुझे? मेरा पहला फैन, चलो यूट्यूब पर वीडियो बनाने का कुछ तो फायदा हुआ। अरे भाई यार, मैंने आपको कहीं देखा है यार? याद नहीं आ रहा है यार। याद नहीं आ रहा तो याद करना चूतिए। कहाँ देखा था यार आपको? याद नहीं आ रहा यार। भाई मत कर ऐसा, तू ही मुझे मेरा पहला फैन लग रहा है यार। अरे कहाँ देखा था यार मैंने आपको? भोसड़ी के फेडिड बबली जूस पापा का परा, कोई तो वीडियो देखी होगी तूने? अरे हाँ, अरे आप वही हो ना जो यूट्यूब पे गंदी गंदी वीडियो बनाते हो? मैंने सारी वीडियो आपकी डिसलाइक करी है और कमेंट में गंदी गंदी गाली दी है। अरे हेल्पी तो हो जाए यार। तुम मेरे फैंस लग रहे हो। ऑटोग्राफ चाहिए होगा तुम्हें? सॉरी मेरे पास अभी पेन नहीं है। भोसड़ी पे पेन नहीं तेरे? कौन है ये? पता नहीं कौन है साला। शंटी तोमर। ऑटोग्राफ नहीं दिया इसलिए नाराज हो गए लग रहा है। अबे साले। Hey guys, इस बार हमने वाइन्स और रोस्ट से कुछ हटकर ट्राई किया है, होप कि आपको पसंद आएगा। अब यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, इसलिए फटाफट से लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की अमेजिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ राहुल भाई, आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? सब्सक्राइब कर दो यार, आपके लिए ही तो वीडियो बनाते हैं और आपने ही चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा अब तक। वैसे राहुल कौन है? ऑडियंस इंटरेक्शन। राहुल एक कॉमन नाम है, यहाँ तीन में से दो बंदों का नाम राहुल होता है। और हाँ, अगर आपने अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज जाके फॉलो कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के आपको बहुत सारे फायदे देखने के मिलेंगे, जैसे बिहाइंड द सीन्स देखने के लिए मिलेगा, हम कब कहाँ और कैसे शूट करते हैं वो देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स भी। ट्यूटोरियल की स्पेलिंग क्या है? भाई नहीं आती मुझे ट्यूटोरियल की स्पेलिंग। गांडी ले ली बहन, जो वीडियो भी नहीं बना देते। Why you mad? I got a bad bro.
Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one, damn it.